हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फूडी चैनल। मैं हूं रुपेश और कैमरे के पीछे देवेश। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं नवसारी के योगेश्वर वड़ा पाव में। यहां पे बहुत ही अच्छा रगड़ा समोसा और यहां का फेमस वड़ा पाव मिलता है। इसके अलावा आपको यहां पे पातूरी मिल जाएगा, पात्रा मिल जाएगा, खमण मिल जाएगा और भी बहुत ही कुछ खाने का वैरायटी मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। अंदर चलते हैं, यहाँ के ऑनर से भी मिलते हैं। सो गाइस, आर यू रेडी वॉचिंग दिस माई ऑसम वीडियो? लेट्स गो प्ले। तो गाइस, मेरे साथ ही योगेश्वर वड़ा पाव के ऑनर से इनसे मिलते हैं। इनका नाम देते हैं। सर, आपका नाम बताइए। लक्ष्मीकांत बच्चू भाई पांडे। सर, आप? सुरेश पांडे। तो लक्ष्मीकांत सर, बताइए आपको ये योगेश्वर वड़ा पाव चालू किया कितना समय हो गया? हमने 2000 में चालू किया था। अच्छा, योगेश्वर वड़ा पाव। अच्छा, और सर बताइए आपके यहाँ का सबसे फेमस आइटम कौन कौन सा? हमारे यहाँ सबसे फेमस आइटम वड़ा पाव है, रगड़ा समोसा है, पाव बटाका है। तो गाइस, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी मिलती है और यहाँ के ऑनर के एक बड़े भाई भी हैं। सर बताइए, आप हमारे जैसे कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर हम लोग ने 2000 के साल में बहुत छोटे से एक छोटे से टेबल के ऊपर हम लोग ने चालू किया था ये धंधा। अच्छा, उसके बाद लोगों का आशीर्वाद मिलता गया। हाँ। लोगों ने इतना पसंद किया हम लोगों का टेस्ट, व्यवहार और सर्विस। अच्छा। कि जिसकी वजह से उत्तरो उत्तर इतना बढ़िया रिस्पांस मिलने लगा कि धीमे 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 एक्स्ट्रा बिजनेस करते चले गए और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर। सर, आपके यहाँ पे एक कुछ बहुत बड़ा सा समोसा दिख रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी जी, ये हमने गणेश भगवान को अपना प्रसाद चढ़ाया था। अच्छा, अच्छा। तो हमने 11 किलो से शुरू किया था। अच्छा। जिस तरह फिर 21 किलो का प्रसाद चढ़ाया था, फिर 51 किलो का चढ़ाया था, फिर हमने 2016 में 155 किलो का सबसे बड़ा, मतलब हिस्ट्री है, ग्रीनीस वर्ल्ड बुक में नाम नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा समोसा हमने गणेश जी को उनके चरणों में अर्पित किया था। तो सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को यहाँ का टाइमिंग बता दीजिए। जी, हमारी शॉप 8 बजे सुबह शुरू होती है, रात को 9 बजे तक। और सर, आप यहाँ का थोड़ा एड्रेस समझा दीजिए। यहाँ हम नवसारी रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर मेन रोड पर ही है। अच्छा, रिंग रोड के ऊपर हमारी स्टॉप। अच्छा, तो ठीक है गाइस, काफ़ी मज़ा आया ऑनर लोग से बात करके, काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस, चलो यहाँ का मेकिंग ही देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका फीडबैक देता हूँ। ठीक है, we'll be right back.
गाइस देख लो, हमने यहाँ का जो दो फेमस आइटम है वो मंगा लिया है। यहाँ हमने मंगाया है रगड़ा समोसा जो यहाँ का काफ़ी स्पेशल है, इसका प्राइस 30 रुपया है। दूसरा हमने मंगाया यहाँ पे चीज़ ग्रिल वड़ा पाव, इसका प्राइस 35 रुपीज़ है, वो यहाँ का स्पेशल है। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये यहाँ का रगड़ा समोसा है, इसका मेकिंग तो लगभग आपने पूरा देख लिया, फिर भी बता देता हूँ। इसमें एक बिग साइज़ का समोसा लिया जाता है, उसके बाद इसमें यहाँ पे रगड़ा डाला जाता है, फिर ऊपर इसके ऊपर आती है मीठी चटनी, तीखी चटनी, दही और ऊपर से प्याज और लास्ट में सेव डाल के इसको सर्व किया जाता है। तो काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका बाइट लेते हैं, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कांदा भी ले लेता हूँ। ये रहा इसका पहला बाइट, पास से देखिए। बहुत बढ़िया, ये जितना इसका नाम है ना उस हिसाब से ये बहुत ही इसका अच्छा स्वाद है। इसमें दही का स्वाद भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, चटनी काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहा है, इसका चटनी भी इतना नाम से डाला है जो काफ़ी स्पाइसी नहीं है। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर जो समोसा के अंदर जो इसका स्टफिंग किया था इन्होंने, वो आलू का किया था, आलू मटर का। ये यहाँ पर मटर दिख रहा है, तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा। एक बाइट और ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ का ये ग्रिल चीज़ वड़ा पाव, ये रहा यहाँ की मिर्ची, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह तीखी तीखी, ठीक है। चलो थोड़ा मजाक हो गया, तो इसका मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर इन्होंने वड़ा रखा था जो काफ़ी बिग साइज़ का है, प्याज रखा था, सेव रखा था और बटर लगाया था, ठीक है। तो इसको चटनी में डिप करते हैं, ये एक मीठा चटनी और ये तीखा चटनी, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, तीखा चटनी, मीठा चटनी। ग्रिल करने की वजह से क्या हुआ है कि ऊपर का थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया और बटर के ऊपर लगाया था, उसके अंदर इसका फ्लेवर अच्छा आ रहा है। इसके अंदर जो इन्होंने आलू का स्टफिंग किया था ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ का वड़ा था इसमें आलू का स्टफिंग हुआ था जो कि बटर लगने की वजह से काफ़ी अच्छा स्वाद दे रहा हूँ। तो ओवरऑल ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और इसमें जो इसको सबसे स्पेशल और ख़ास बना रहा है वो यहाँ की ये चटनी, देख सकते हैं ये तीखी चटनी, ये मीठी चटनी, बढ़िया। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। एक काम करते हैं, देव का भी रिएक्शन देख लेते हैं वो कैसा है, ठीक है। तो गाइस हमारा सारा ऑर्डर ख़त्म हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया था, मुझे दोनों चीज़ अच्छा लगा। और दोनों को जो सबसे खास बना रहा था वो था उसका चटनी, और ग्रिल वड़ा पाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके अंदर जो चीज़ का स्लाइस डाला था ना उसके वजह से उसका स्वाद काफ़ी बढ़ रहा था। तो देव को पूछ लेते हैं, देव बता कैसा लगा? मुझे तो रगड़ा समोसा में जो चटनी दोनों टाइप की थी बहुत टेस्टी लगी, और उसके साथ जो दही तो मज़ा ही आ गया। अच्छा, तो गाइस आप लोग यहाँ पर अगर विजिट कर सकते हो, बहुत ही पुराना शॉप है, लगभग 20 साल है, और 20 साल से यहाँ पे अभी तक वैसा ही स्वाद मिल रहा है। और यहाँ का स्वाद कैसा है वो तो आप हमारे पीछे की पब्लिक देख के ही समझ जाओगे कि यहाँ पे बहुत बढ़िया स्वाद मिलता है। तो ठीक है गाइस, लोकेशन भी काफ़ी इजी है, स्टेशन के जस्ट सामने। तो वीडियो लास्ट तक देख लिया तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।